सुदीनमणि स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, यू हैव सॉल्व योर टेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड आई होप यू हैव सॉल्व दिस पेपर योर सेल्फ ऑनेस्टली. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो टेस्ट पेपर है उसको सेल्फ यानी ऑनेस्टली ईमानदारी से सॉल्व किया होगा बिना किसी हेल्प के. एंड इफ़ यू आर फीलिंग बोर्ड, अगर आपको बोरिंग लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप बोर हो रहे होंगे मेरे वीडियो से. बट टुडे आई विल टेल यू समथिंग डिफरेंट. आई विल नॉट टीच यू टुडे. आई एम गोइंग टू टेल यू एन एक्टिविटी एंड आई होप यू विल इंजॉय दिस एक्टिविटी. मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्टिविटी को इंजॉय करेंगे. And you will send your pics also. And as you know that the chapter Yeti is based on snowman. आपको पता है आपका chapter 5 Yeti snowman पर depend है. The whole story is depend on snowman. पूरी जो कहानी है वो snowman के बारे में है कि क्या real life में snowman हैं. अब real life में हैं या नहीं हैं, we don't know about it. इवन द साइंटिस्ट आर ऑल्सो अननोन अबाउट इट. उनको साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कि यतीज हैं या नहीं हैं. बट वो उम्मीद करते हैं, दे होप दैट वन डे इट इज़ क्लियर दैट इट विल बी क्लियर दैट ही स्नोमैन्स आर इन रियल और नॉट. सो वी डोंट नो अबाउट द स्नोमैन्स, बट वी कैन प्रिपेयर अ स्नोमैन एट होम. हम स्नोमैन को बना सकते हैं घर में. इफ़ यू आर रेडी देन आई एम गोइंग टू टेल यू. और मुझे उम्मीद है आप सारे के सारे तैयार होंगे. इस समय आप घर में रहते हैं, कभी कभी बोर भी फील करते होंगे, तो बोर फील ना करें. एक स्नोमैन बनाते हैं बढ़िया सा विद वेस्ट मटीरियल्स. ओके, सो फर्स्ट यू विल टेक सम रफ पेपर्स as a newspaper or some other papers or some rough cloths also. आप कुछ rough papers को ले सकते हैं, कुछ अपने newspapers को, पुराने newspaper को ले सकते हैं, पुराने कपड़ों को ले सकते हैं. and you can prepare a ball with these papers. you can prepare two balls. एक बॉल, दो बॉल्स आपको बनानी है इन पेपर से. एक बड़ी बॉल बनाएंगे और एक छोटी सी बॉल बनाएंगे. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल प्रिपेयर अ बॉल, आफ्टर दैट यू विल रैप इट विद सम कॉटन. आपने क्या करना है, इसको कुछ कॉटन से रैप कर देना है. अगर आपके पास कॉटन नहीं है, यू कैन यूज़ वाइट पेपर. आप वाइट पेपर यूज़ कर सकते हो. वाइट पेपर इसके ऊपर रैप कर देंगे और ये इसका स्नोमैन का नीचे का पोर्शन हो जाएगा, पेट वाला पोर्शन. एंड द स्मॉल बॉल, जो छोटी बॉल आप बनाएंगे, उस बॉल को हम हेड की जगह यूज़ करेंगे. फर्स्ट यू विल पुट द बिग बॉल एंड आफ्टर दैट यू विल पुट अ स्मॉल बॉल. पहले आप बड़ी बॉल रखेंगे, उसके ऊपर छोटी बॉल को रख के उसको पेस्ट कर देंगे. एंड देन यू विल प्रिपेयर आइज, ब्लैक आइज एंड रेड नोज एंड रेड माउथ. एंड आफ्टर दैट यू विल प्रिपेयर अ कैप. जैसे आप बर्थडे में अपनी कैप यूज़ करते हैं, ऐसी एक कैप आप यूज़ करेंगे उसके हेड के लिए. एंड योर स्नोमैन विल बी रेडी. आपका स्नोमैन तैयार हो जाएगा. एंड यू विल डू इट. आई होप यू विल डू इट. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी एक एक स्नोमैन बनाएंगे और उसको पॉलीथीन में, वाइट ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में रैप करके अपने घर में हैंग करेंगे और उसकी पिक मेरे पास भेजेंगे. आई एम वेटिंग फॉर योर स्नोमैन. Till then, have a nice day.